हेलो एवरीवन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एससी वर्मा के चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। यहाँ क्वेश्चन जो है आप देख सकते हो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg। ब्लॉक का मास जो है वो 2 kg दिया हुआ है। तो जो भी चीजें दी हुई हैं उसको मैं यहाँ पे लिखता चला जाऊंगा। मास एम इक्वल टू 2 kg प्लेस्ड ऑन अ लॉन्ग फ्रिक्शनलेस ओरिएंटल टेबल। तो एक ओरिएंटल टेबल पे ये मास रखा हुआ है, मास 2 kg का है और हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखा हुआ है। तो इसका मतलब है ये रेस्ट में रहा होगा, शुरू में प्लेस किया गया है। तो u इक्वल टू 0 m/s मैंने यहाँ पे लिख दिया इसका, है ना। प्लेस्ड क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इसने प्लेस्ड। अब क्वेश्चन पे ध्यान दोगे और बिल्कुल बारीकी से क्वेश्चन को स्टडी करना है। ऑन ए हॉरिजॉन्टल जो है फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल पे ये रखा हुआ है और उसको पोल्ड किया जा रहा है। इस पोल्ड हॉरिजॉन्टली बाय कांस्टेंट फोर्स। तो जब आप कांस्टेंट फोर्स लगाओगे, तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, एफ फोर्स लगा के आप इसको, कांस्टेंट फोर्स लगा के आप इसको पुल करना शुरू कर दिया आपने। इट इज फाउंड दैट टू मूव 10 m इन फर्स्ट 2 seconds, और फर्स्ट 2 सेकेंड में यह ऑब्जर्व किया गया कि ये जो है इसने ब्लॉग ने 10 m का डिस्टेंस कवर कर लिया है। तो डिस्टेंस एस ये भी दिया हुआ है आपके पास 10 m का, और टाइम कितना लगा इस फर्स्ट में 2 सेकेंड में, तो टाइम टी इक्वल टू 2 सेकेंड, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है फर्स्ट 2 सेकेंड, है ना। तो टी इक्वल टू हो गया 2 सेकेंड। ये सारी चीजें आपको गिवन है। अब आपको निकालना है क्या, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। आपको फोर्स की मैग्नीट्यूड निकालनी है। ऐसे तो नॉर्मली हमें पता है एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए, लेकिन एक्सेलेरेशन है कहाँ। एक्सेलेरेशन तो यहाँ पे मास है, इनिशियल वेलोसिटी है, डिस्टेंस है और टाइम है, एक्सेलेरेशन नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास एक बात आती है कि एक्सेलेरेशन निकालनी होगी आपको। तो देखो फॉर्मूला, न्यूटन्स लॉ है, इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड फॉर्मूला जो है आपका एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है, चार फॉर्मूले होते हैं ना, तो उसमें से एक फॉर्मूला ये भी है। तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s कितना है 10, u कितना है 0, टाइम कितना लगा 2 सेकेंड का, प्लस हाफ a कितना है, a तो आपको फाइंड करना है, इनटू टाइम 2 सेकेंड, फर्स्ट 2 सेकेंड के लिए बोला जा रहा है, इसलिए 10 इक्वल टू 0 प्लस हाफ इनटू 4a स्क्वायर। यहां से आप 2 2 या 4 कैंसिल कर दो, नॉट a स्क्वायर, यहां पे a को मैं, a होगा सिर्फ वहां पे, तो ए को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये जो 2 है ये मैंने हटा दिया, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया, तो यहाँ से ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, आप देख सकते हो ए इक्वल टू 10/2, मतलब 5 m/s² ये एक्सेलेरेशन आ गया। अब तो आप इस एक्सेलेरेशन की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकते हो ना, तो एफ इक्वल टू मास, मास कितना है, तो मास यहाँ पे आपने लिख दिया है 2 kg, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 × 5, तो कितना हो गया 10 N, और यही इसका फाइनल आंसर है, क्योंकि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पूछा गया था और फोर्स F इक्वल टू ma 2 × 5 जो कि 10 N है। इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आप ऐसे ही बहुत सारे जितने भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं आपके लिए करता जाऊंगा, उसका जो लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगा, आप कोई भी क्वेश्चन को वहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू।